तीन चीजें हैं। यूं तो बाबा किसी भी बात को इतनी स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि उसमें व्याख्या की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। बाबा की बात बिल्कुल पॉइंटेड है तीर की तरह, फिर भी इसलिए मैं आपके सामने रखूंगा कि इसमें तीन कौन सी चीजें हैं इस आनंद वाणी में। आप वाक्य सभी जानते हैं किसको कहते हैं, जो इष्ट के मुख से जो कुछ सीधे आता है वही आत्मवाक्य है। लेकिन बाबा आज इसमें एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि 16 पॉइंट हमारे आपके लिए आत्मवाक्य है, क्योंकि सीधे उनके मुंह से आया। आमतौर पर हम समझते थे कि जो धर्म शास्त्र है, सुभाषित संग्रह बाबा का दिया हुआ, चर्याचर्य है, ये आप वाक्य है। लेकिन आज इस आनंद वाणी के द्वारा बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि 16 पॉइंट भी आप वाक्य। एक बार की बात है, एक अन्य धर्मावलंबी, उस धर्म के बहुत बड़े लीडर हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। वो कोई किताब लेकर के पढ़े थे, उसमें उनका कहना कि यूं तो मैं अपने धर्म का बहुत कट्टर हूं, लेकिन 16 पॉइंट पढ़ के लगा कि साक्षात भगवान ही ऐसा दे सकते, क्योंकि इसमें श्री श्री आनंद मूर्ति जी कुछ छोड़े नहीं। मनुष्य के जीवन से संबंधित शरीर, मन, आत्मा, बाहरी व्यवस्था, समाज, सबको ध्यान में रखते हुए बाबा ने 16 पॉइंट। ये एक सीधी बात निकल के आ रही है। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, आप वाक्य की एक और व्याख्या कर रहे हैं कि जब इष्ट से, परम पुरुष से आकर्षण बढ़ जाता है तभी वह आप्तवाक समझ में आ सकता है, नहीं तो परमात्मा क्या करे। आदमी की बात आदमी नहीं समझता, पति की बात पत्नी नहीं समझ सकती, पत्नी की बात पति नहीं समझता, इसीलिए अगर सहनी होती है। लेकिन परमात्मा की बात कौन समझ सकता है। बाबा ने एक रहस्य खोला है इसमें कि जब परमात्मा के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है तब उनकी बात क्या होती है। तीन बात उसमें कह रहे हैं, वो सुनने लगता है, कान सुनता है लेकिन मन नहीं सुनता, सुनने का कान काम नहीं करता। जब डीप ध्यान में आप बैठते हैं तो कान सुनते हैं, मन तो आपका इष्ट मंत्र के आइडिएशन में लगा है, कहां कान सुनता है। इसलिए इसमें कह रहे हैं जब वो सुनने लगता है, क्योंकि मन जब एकाग्र होकर के उनकी बात सुनने लगता है, इसको बाबा कह रहे हैं कि सुनने लगता और फिर समझने लगता। क्योंकि किसी जानकारी के लिए, किसी ज्ञान के लिए तीन स्टेज है, सुनना, समझना, तब व्यक्त करना। तो सुनने लगा, समझने लगा, और जब इतनी बड़ी बात कि परमात्मा मेरे लिए परिवर्तन के लिए कह रहे हैं, तो अवश्य ही उसके जीवन में परिवर्तन आए। जब उस पर चलने लगता है तब उसको आप्तवाक्य कहते हैं। इसलिए बाबा जो कुछ दिए हैं, अगर इस स्टेज से हम नहीं गुजर रहे हैं तो सुन तो रहे हैं लेकिन हमारे लिए आप्तवाक्य नहीं हुआ, क्योंकि उस पर चल नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे। हमारी वही अवस्था फिर हो जाएगी कि झोली में रत्न है और बाहर हाथ फैला के भीख मांग रहे। तीसरी बात जो इसमें गुप्त है वो बाबा कह रहे हैं, चूंकि जब 16 पॉइंट देना बाबा शुरू कर दिए थे और अभी सरकार के मेहमान नहीं बने थे, अभी बाहर ही थे बाबा, तब तक 7 पॉइंट बाबा दे चुके। बाद में धीरे धीरे अंदर से जब मेहमान बन गए सरकार का, तब उसको पूरा किया 16 पॉइंट। बाबा ने कहा मैं तुम्हें रांची में
मैं तुम लोगों को वो विद्या दे रहा हूँ, नहीं ये सॉरी ये पटना में, तुम लोगों को वो विद्या दे रहा हूँ जो तुम्हें परिवर्तन लाएगी। हमको याद आई बाबा ने एक बार कहा था कि मैं कोई दार्शनिक नहीं हूं, मैं तो धर्मगुरु हूं, और तुम पर तुम्हारे लिए क्या क्या आवश्यक है जो मैं दे रहा हूं उसी को तुम दर्शन कर सको, और फिर तुमको दुनिया चाहेगी तो फिलोसफर कहेगी, लेकिन मैं फिलोसफर नहीं हूं। तो इसमें जो छुपी हुई बात है कि आज तक पाश्चात्य में ग्रीक चिंतकों से लेकर आधुनिक काल में वेस्टर्न वर्ल्ड में जॉन ड्यूई तक, और भारतीय परंपरा में कपिल से लेकर और वादरायण तक का जो चिंतन है, इसमें परिवर्तन की बात सभी कर रहे हैं, परिवर्तन में लीडरशिप का परिवर्तन। लेकिन इसका फॉर्मूला किसी ने नहीं लिया कि ये परिवर्तन कैसे जीवन में आए। बाबा ने कहा ये 16 पॉइंट तुम्हें सदविप्र बनाएगा, क्योंकि बाबा का अप्रोच है जीवन में परिवर्तन लाकर, सामाजिक जीवन में परिवर्तन करके समाज परिवर्तित करो और एक मानव समाज करो, ये बाबा का मिशन। आज ये पुरोधा प्रमुख जी ने समाज पर अनुग्रह करके इसको वाणी के रूप में दिया है। हम इसको बाबा जैसा कह रहे हैं कि आप्तवाक्य है, आज से जितने लोग सुन रहे हैं इसको उस रूप में स्वीकार कर, सुने नहीं समझे नहीं केवल, उस पर चलें और परिवर्तन करके इस परिवर्तन के लिए लग जाएं बाबा के काम के लिए, तब हमारे मनुष्य जीवन की सार्थकता है। नहीं तो हम औरों जैसे आए और चले गए, हमने कुछ नहीं किया। बाबा शरीर छोड़ने के पहले एक बात कहे कि क्या मैं तुम लोगों पर भरोसा करूं कि तुम लोग मेरा काम करते रहोगे। किसको हिम्मत थी कि बाबा के सामने ना कहे, हमने कहा कि हाँ बाबा। बोले इतना ही नहीं, आज जितने तुम लोग यहाँ सुन रहे हो उनके हाँ कहने से नहीं चलेगा, भविष्य में जो भी इस बात को सुनेगा तो सब पर लगेगा। तो क्या हम अपने जीवन में परिवर्तन करके समाज परिवर्तन के लिए और बाबा जिस काम के लिए इस धरा पर आए, एक मानव समाज बनाने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? हाँ। तो अगर इतने लोग लगते हैं तो भारत के परिवर्तन में समय नहीं लगेगा, और फिर भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया को रास्ता दिखाएगा, तब यह सार्थकता होगी कि बाबा का आगमन हमने समझा और केवल रात भर कीर्तन करके और यहाँ से कीर्तन का प्रसाद खा करके घर में चले गए और भूल गए इस कान से सुना इस कान में निकाला। इसका मतलब है कि बाबा को समझे नहीं, आप वाक्य को जीवन में अपनाया नहीं। इसलिए उम्मीद है कि सभी जिम्मेवार लोग बैठे हैं यहाँ और चुनिंदे लोग हमारे समाज के हैं, इस पर अमल करेंगे, आनंद मार्ग का रास्ता बहुत ही सहज हो जाएगा। परमपिता बाबा की जय। परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की। आचार्य गुरिंद्र नंद दादा प्रभात संगीत। अभी इसके बाद शोभा यात्रा में सभी
Abhay Namo Keva Namo